अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं यहाँ पे आज बना रही थी कैरेमल पॉपकॉर्न, और मैंने जो है सबसे पहले 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी डाल दिया। आपकी मर्ज़ी, आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, आप बटर भी डाल सकते हैं, और अगर आप बटर और ऑयल दोनों इकट्ठा डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड करके, मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर कॉर्न ऐड कर दिए थे, और अच्छी तरह इसको आपने फ्राई करना है। और जब आप देखें कि एक जो है वो कॉर्न पॉप होने लग जाए तो आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें, और जब ये अच्छी तरह से पॉप हो जाएंगे तो फिर आपने जो आंच है वो बंद कर देनी है। और यहाँ पर जी आंच जो है वो आपने दरमियानी रखनी है, मतलब मीडियम टू लो रखनी है, मीडियम टू हाई नहीं रखनी। उससे ये होता है कि ये जलते भी नहीं हैं और काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पर जी हमारे जो कॉर्न है वो पॉप होना स्टार्ट हो गए हैं, और बस ये बनने ही वाले हैं, तकरीबन बन ही चुके हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उससे ये होता है कि जो नीचे रह जाते हैं वो भी अच्छी तरह से पॉप हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो पॉपकॉर्न रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैरेमल, और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी डाल दिया था, और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, मेक श्योर करना है कि आंच आपने हल्की रखनी है। उससे ये होगा कि जो शुगर है वो जलेगी नहीं। तो बस यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता शुगर मेल्ट हो रही है, और आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं घी की जगह या ऑयल की जगह, और आपने इसके अंदर थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड करना है। तो बस यहाँ पे मेरे पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया, बस मैंने शुगर ही इसके अंदर ऐड कर दी। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो कैरेमल रेडी हो चुका था, और आपने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है वरना जो है वो जले हुई स्मेल आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और हमारे मज़ेदार से पॉपकॉर्न जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो बस इसको जो है मैं डिश आउट कर लूँगी, और इसको मैं जो है वो एक बाउल में डाल लूँगी, और इसको मज़े से हम इंजॉय करेंगे। तो अगर ये वीडियो देखकर आपका भी दिल कर रहा है पॉपकॉर्न बनाने का तो आप फटाफट जाएँ, और बहुत ही ईजी है, हर चीज़ घर में अवेलेबल है। तो आप मज़े से जो है वो कैरेमल पॉपकॉर्न इंजॉय करें बनाकर। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी रेसिपी। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।